Hello everyone, welcome back. तो मेरी आज की वीडियो होने वाला है एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। तो गाइस, आप में से कुछ बहुत लोग तो ऐसे होंगे ही जिनको ऑनलाइन शॉपिंग करने से डर लगता है, एंड इसके लिए एक बहुत ही बड़ा रीजन ये हो सकता है कि हमें जो प्रोडक्ट दिखाए जाते हैं ना वेबसाइट पे, एंड जो प्रोडक्ट हमें रिसीव होता है वो एकदम डिफरेंट होता है, लाइक कोई भी सिमिलैरिटीज नहीं रहता है। इसके लिए कुछ बहुत लोग डर जाते हैं ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए। तो मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ एक एक्सपेक्टेशन वर्सेज रियलिटी की वीडियो शेयर करती हूँ। तो दिस टाइम मैंने प्रोडक्ट्स लिया है फ्रॉम silori.com। इफ यू डोंट नो अबाउट silori.com देन लेट मी टेल यू, ये एक ऑनलाइन क्लोथिंग ब्रांड है। इनकी वेबसाइट है एज वेल एज आपको एप्लीकेशन भी मिल जाएंगे। इनकी वेबसाइट पे आपको कई तरह के डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स मिल जाएंगे क्लोथिंग के, लाइक वेस्टर्न एंड एथनिक एक्सेट्रा, सब कुछ मिल जाएंगे आपको। आप चेकआउट कर सकते हो इफ यू वांट। लिंक मैंने इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। ठीक है, शादी का सीजन तो आने ही वाला है, तो मैंने सोचा कुछ एथनिक आइटम्स ट्राई करते हैं, एंड इसके लिए मैंने वहां से 3 आइटम्स लिया है। ठीक है, एंड मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगी एक एक करके कि कैसा था मेरी एक्सपेक्टेशन एंड कैसा मुझे प्रोडक्ट रिसीव हुआ है, अच्छा है या फिर बुरा है, कि आपको यहाँ से शॉपिंग करना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, सब कुछ मैं शेयर करूंगी इस वीडियो पे। तो प्लीज आप इस वीडियो को इन तक जरूर देखना। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है देन प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप, ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो आइटम है वो सबसे अफोर्डेबल आइटम है। मैं यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी प्रोडक्ट की। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये क्रीम कलर की कुर्ती है, आपको बेल स्लीव्स मिलेंगे, 3/4 स्लीव्स है। ठीक है, एंड आपको यहाँ पे छोटा छोटा कुछ डिजाइन्स मिलेंगे, फ्लावर काइंड ऑफ डिजाइन है, ऑरेंज रेड कलर में आपको डिजाइन मिलेंगे, एंड आपको यहाँ पे साइजेस का भी बहुत अच्छा वेरिएशंस मिल रहा है, एस से XXL तक आपको साइज मिलेंगे। इसका जो प्राइस था वो था 499 रुपीज। ये जो फेब्रिक है वो कॉटन का है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रोडक्ट मुझे कैसा रिसीव हुआ है। मुझे ये कुर्ती काफी ज्यादा अच्छा लगा। आप देख सकते हो जो जो डिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ था एंड जैसे वो पिक्चर था एकदम वैसे ही है ये ड्रेस। इसका जो लेंथ है ना वो मेरी आई थिंक नी का भी नीचे आ रहा था, बट अगर आप थोड़े से लंबे हो तो आपका जो नी है उतने तक आएगा इसका लेंथ। अब ये जो कपड़ा है आई थिंक ये कॉटन का ही है, बहुत ही सॉफ्ट एक मटेरियल है, बहुत ही सॉफ्ट है ये मटेरियल। आप इसको एक रेड कलर की प्लाजो के साथ कैरी कर सकते हो, या फिर एक रेड और ऑरेंज कलर की जो लेगिंग्स है उसके साथ भी आप कैरी कर सकते हो। अब मुझे ना ये जो कपड़ा है ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट लगा। अगर ये कपड़ा थोड़ा सा मोटा होता तो अच्छा रहता, बट इसके अंदर अगर आप एक कैमिसोल या फिर एक इनर पहनते हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, उतना भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट ये है नहीं। इसका जो फिट है वो मुझे एकदम परफेक्ट ही आया है, बट इसका जो नेक है वो थोड़ा सा ब्रॉड है मेरे लिए, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको अल्टर करवा दूंगी तो एकदम ठीक हो जाएगा। ये तो हो गया फर्स्ट ऑप्शन, एंड मैंने जो एक्सपेक्ट किया था एंड मुझे जो मिला प्रोडक्ट वो एकदम 100% सेम है। कुछ भी मुझे लाइक इधर उधर नहीं लगा, जो कि बहुत ही अच्छा बात है। नेक्स्ट मेरे पास और एक कुर्ती है, एंड ये एक कुर्ती एंड पैंट की सेट है। पहले हम पिक्चर देख लेते हैं। ये एक मस्टर्ड येलो कलर एंड नेवी ब्लू कलर में लॉन्ग एक कुर्ती है, एंड इसके साथ आपको पैंट भी मिलेंगे जो कि है नेवी ब्लू कलर में। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। 3/4 रोल अप स्लीव्स आपको मिलेंगे, प्रिंटेड डिजाइन है, एंड कुर्ती का जो नेक है वो बोट नेक है, लेंथ है 116 सेंटीमीटर। कलर मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया, आप देख सकते हो ये है इसका स्लीव्स, 3/4 रोल अप स्लीव्स है जैसे कि वहां पे लिखा हुआ था। जो मटेरियल है वो रेयन का है, बट बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है।
जो कॉलर है आई थिंक ये बोट नेक तो नहीं है, आई थिंक ये राउंड नेक ही है। एंड आपको फुल बॉडी पे ऐसे आपको प्रिंटेड डिजाइन मिलेंगे। एंड पिक्चर पे जो था ना वही मुझे एग्जैक्टली रिसीव हुआ है, कलर बोलो या फिर जो डिजाइन बोलो सब कुछ एकदम सेम है। एंड ये कुर्ती ना मेरे लिए हाइट पे बहुत ज्यादा लंबा हो गया था, मेरी फिट तक आ रहा था एंड मुझे ऑल्टर करने की टाइम नहीं मिला था, तो मैंने ना ऐसा एक क्लिप यहाँ पे लगा दिया है ताकि थोड़ा सा छोटा मैं कर पाऊँ लेंथ को, और बाद में मैं ऑल्टर तो करवा ही लूंगी। यहाँ पे ना मेंशन है साइज M2XXL, बट आई थिंक मैंने भी एम ही चूज किया था, बट अभी मैंने इसको देखा कि मुझे स्मॉल साइज मिला है इसीलिए मुझे काफी अच्छे से फिट हो रहा था। एंड जो पैंट है आप देख सकते हो ये भी स्मॉल साइज में ही है एंड ये आई थिंक 30 कमर तक आ जाएगा, मेरी है 28 एंड मुझे ये बहुत ही परफेक्टली फिट हो रहा था। जो पैंट है ना वो एकदम स्ट्रेट कट पैंट है, जैसे डिस्प्ले पिक्चर पे था वैसे ही मुझे रिसीव हुआ है। आप देख सकते हो डिजाइन भी एकदम सेम ही है एंड जो नीचे की पोर्शन है आपको राइट साइड पे आपको ऐसा कुछ शो बटन्स मिलेंगे। ये पैंट मेरे लिए थोड़ा सा यू नो ब्रॉड है तो मुझे थोड़ा सा अल्टरनेशन करवाना पड़ेगा, तो क्या होगा कि ये एकदम मुझे फिट आ जाएगा जैसे कि लेगिंग्स फिट आता है, तो वो देखने में और भी अच्छा लगेगा। ये जो सेट है इसका प्राइस है 950 रुपीज एंड आई थिंक इट्स क्वाइट अफोर्डेबल, क्योंकि 1000 रुपीज के अंदर आपको पैंट कुर्ती दोनों ही मिल रहा है। एकदम लास्ट प्रोडक्ट के बारे में, पहले मैं यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी। तो ये जो ड्रेस है ये एकदम लॉन्ग एक कुर्ती है विथ पैंट्स एंड इसका जो कलर है वो मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, एक अनकॉमन कलर है। इसका कलर है सेज ग्रीन एंड पिंक की एक कॉम्बिनेशन में एंड इसका जो पैंट है वो रॉयल ब्लू कलर में आता है। आप देख सकते हो पिक्चर में कैसा है प्रोडक्ट। एंड जो ड्रेस है उसका मटेरियल है हेवी लॉन कॉटन एंड जो कुर्ती है उस पे आपको पूरा प्रिंटेड डिजाइन मिलेंगे, हैंड्स पे आपको बेल्ट स्लीव्स मिलेंगे। कुर्ती का जो लेंथ है वो है 140 सेंटीमीटर एंड जो बॉटम है उसका लेंथ है 94 सेंटीमीटर। मुझे पता था कि ये ड्रेस मेरे लिए बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है, बट मुझे लगा कि थोड़ा सा मैं ट्राई करके देखती हूँ कि कैसा होता है। तो ये रही वो प्रोडक्ट, आप देख सकते हो एकदम सेम कलर में ही मुझे प्रोडक्ट रिसीव हुआ है। आपको यहाँ पे ऐसा क्लोज्ड नेक मिलेंगे, पीछे आप इसको हुक से टाई कर सकते हो, सामने आपको ना ऐसा एक डिजाइन मिल रहा है जो पिक्चर में था नहीं, था भी तो मुझे दिखा नहीं। आई थिंक ये ऐसे रहेगा चेस्ट के सामने एंड आपको ऐसा 3/4 स्लीव्स मिलेंगे विद बेल्ट स्लीव्स एंड बेली के नीचे से आपको ऐसा फ्रंट स्लीट मिलेंगे। आई होप आप समझ पा रहे हो, ये है स्लीट, साइड से जाता है ये स्लीट एंड ऊपर पे आपको ना ऐसा दो टाई अप करने के लिए रस्सी मिल रहा है एंड जो लटकन है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है। मैं आपको एक बार नीचे तक दिखा देती हूँ, आप देख सकते हो जो भी प्रिंट वहाँ पे था, जो भी कलर वहाँ पे था, सब कुछ एकदम सेम ही मुझे रिसीव हुआ है एंड मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड भी हूँ इस प्रोडक्ट से। अब हम बात करते हैं बॉटम की, आई मीन पैंट के बारे में। आप देख सकते हो ऐसा रॉयल ब्लू कलर में पैंट आता है एंड जो भी डिज़ाइन वहाँ पे था एक्यूरेट एकदम सेम डिज़ाइन ही मुझे रिसीव हुआ है। आप देख सकते हो ये है डिज़ाइन रॉयल ब्लू के ऊपर, गोल्डन से कुछ डिज़ाइन यहाँ पे है। तो ये जो पैंट है ना इसका कमर मेरे लिए थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। मेरी जो कमर है वो है 28 एंड ये साइज़ तो मेरे लिए परफेक्ट होना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली इट डिडंट फिट मी। अगर मैं इसको पहन रही हूँ तो एकदम नीचे से ये खुल जा रहा है, तो मुझे कुछ मैनेज करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे कोई भी नारा सिस्टम भी नहीं है ताकि मैं इसको टाई अप कर सकूँ, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा पैन के साथ एंड मैं थोड़ा सा यहाँ से ना ऑल्टर भी करवा लूँगी क्योंकि जो लेग है वो भी मेरे लिए थोड़ा सा ब्रॉड है।
इस प्रोडक्ट की प्राइस है 1449 रुपीज एंड आई थिंक प्राइस ठीक ठाक ही है प्रोडक्ट के हिसाब से। और अगर मैं एक्सपेक्टेशन और रियलिटी की बात करूँ तो जो भी प्रोडक्ट वहाँ पे डिस्प्ले होता है मुझे तो एकदम एक्यूरेट सेम प्रोडक्ट ही रिसीव हुआ है। सिर्फ मुझे इसका पैंट थोड़ा सा ढीला डाला हुआ है, मुझे थोड़ा सा फिक्स करना पड़ेगा वो चीज़, वरना जो भी मुझे प्रोडक्ट रिसीव हुआ वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगा। मैं ना सब प्रोडक्ट्स की लिंक भी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, इनकेस इफ यू वॉन्ट टू बाय एनीथिंग देन यू कैन जस्ट गो एंड क्लिक द लिंक एंड बाय इट फ्रॉम देयर, ठीक है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो और हेल्पफुल लगा हो। मैंने कुछ अलग करने की ट्राई किया है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसा लगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है देन प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप, ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। और अगर आप मेरी वीडियोज को देखते हो, पसंद भी करते हो बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन अलॉन्ग विद द बेल आइकन, ताकि आपके पास मेरे सब नए वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।